तो जय हिंद दोस्तों आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे यहाँ पर हम पढ़ने के वाले हैं अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे हम चैप्टर थ्री की बात करेंगे इंग्लिश चैप्टर थ्री की बात करेंगे डीप वाटर ठीक है चैप्टर कौन सा है आपका डीप वाटर चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ठीक है इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपको जया चैनल को शेयर करना है क्योंकि आपको उन मित्रों तक तो अपने शेयर करना है जो मित्र अभी आपके कक्षा बारह की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर देखिए अगर इसकी पीडीएफ भी आपको लेने पीडीएफ कहा मिलेगी पीडीएफ आपको मिलेगी एसके एम स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, है वहां पर मिलेगी और एसके एम स्टडी क्लासेस डॉट कॉम वेबसाइट पर मिलने वाली है ठीक है तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरीके से आप सभी लोग पढ़िएगा क्योंकि चैप्टर थ्री के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम बताने वाले हैं ठीक है चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है वेन डिड द राइटर ज्वाइन द वाई एम सी ए पूल एंड वाई लेखक ने वाई एम सी ए तरण ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों ताल का मतलब कि जो स्विमिंग पूल है एक तरीके से ठीक है उसको हम क्या कहते हैं आप लोग इंग्लिश अच्छी तरीके से जानते होंगे स्विमिंग पूल लेकिन उसकी हिंदी क्या है तरण ताल ठीक है तो uh, when did the writer join the ymca pool ymca pool when why यानी लेखक ymca तरण ताल में कब भरते हुआ और क्यों ठीक है चलिए इसको आज अच्छी तरीके के बताते हैं देखिए ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड ठीक है जब वह दस या 11 साल के थे ही जॉइंड द ymca पूल तब उन्होंने YMCA को ज्वाइन किया या उसको उसमें भरते हुए इफ ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम उनके लिए क्या था कि वो उनके लिए सबसे बड़ा काम क्या था कि वो स्विमिंग सीख सके ठीक है स्विमिंग को सीख सके तैरना सीख सके ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ठीक है प्रश्न क्या है डिटरमाइंड टू गेट ओवर फियर ऑफ वाटर पानी के भय से उबरने का निश्चय क्यों किया ने पानी से उबरने का निश्चय क्यों किया देखिए ध्यान समझेंगे द फियर ऑफ वाटर स्टेड विथ हिस्स फॉर फोर ईयर्स यानी कि जो पानी से उनका डर था स्टेड विथ हिज फॉर उनके साथ, साथ चल रहा था वे वेन इवर द हंटिंग फिटर ऑफ वाटर फॉलो हिम यानी कि वो अपने डर का शिकार करना चाहते थे बोटिंग एंड स्विमिंग यानी वे अपने डर को एकदम तरीके से समाप्त करना चाहते थे और उसको आनंद लेना चाहते थे उसका बोटिंग एंड स्विमिंग यानी कि नाव चलाने का और स्विमिंग करने का सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर वो अपने जो उनका डर था पानी के प्रति जुडर था उसको अपने अंदर से हटाने का उन्होंने क्या किया डिसाइड किया क्या किया डिसाइड किया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है व्हाट इज दिस एडवेंचर यानी कि मिस एडवेंचर क्या है दैट की विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट विलियम डगलस क्या थे uh, जो विलियम uh, डगलस कौन सी विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं जो विलियम डगलस है वह कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं ठीक है तो चलिए वॉट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट यानी विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं चलिए हम आपको अच्छी तरीके समझाते हैं यहाँ पर देखिए क्या है कि डगलस गोज़ टू स्विमिंग पूल डगलस जब जा रहे थे स्विमिंग पूल में नहाने ठीक है वेन वेन नो वन इल्स दिल्स इज देयर यानी कि उनके साथ एक घटना घटी वहाँ पर, there, someone, वहां पर ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर करके किसी का इंतजार कर रहे थे टू कम साउटली बिल्ट बॉय देयर उनके पास एक चिल्लाता हुआ लड़का आया एंड थ्रो हिम इन टू डीप वाटर उन्हें गहरे पानी में धकेल दिया ठीक है उनके साथ यहाँ दुर्घटना घटी द स्पीक्स अबाउट इन दिस ही स्केप यानी कि तब उनकी उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जल्द ही क्या हो जाएगी मृत्यु हो जाएगी तब उन्होंने क्या किया डिसाइड किया कि हाँ हमको तैरना सीखना है हमको पानी से जो डर है उसको समाप्त करना यानी कि जब वो उनको जब वो उनको ढकेल दिया गया था तो उनके अंदर एक डर समा गया था कि कि हम पानी में पानी में नहीं जा सकते हैं हम पानी से बहुत डरते हैं सब सारे डर उनके अंदर बैठ गया था ठीक है चलिए आगे आप बताते हैं देखिए हाउ द पूल यानी पूल कितना गहरा था वाट वॉज देअर इन साइड द वाटर पानी के अंदर क्या था ठीक है डीप वॉस हाउ डीप वाश पुल यानी कि पूल कितना गहरा था पानी के अंदर क्या था ठीक आग, आग, है चलिए हम आपके आगे समझाते हैं अच्छी तरीके से देखिए आप क्या कर रहे हैं कि डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम इन नाइन नाइन फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि डगलस जब नीचे गए तो किनारे से वे नौ फीट पानी के गहरे में अंदर चले गए ठीक है कितना नौ फीट पानी के गहरे अंदर चले गए नाइन गेट सीम्ड यानी कि नाइन फीट सीम्ड टू हिमलाई मोर देन नाइनटी फीट यानि कि जो उनका नौ फीट था उन्हें ऐसा प्रतीत था कि यह निन्यानवे फीट के बराबर है ठीक है उन्हें ऐसा प्रतीत था कि यह कितने फीट के बराबर है निन्यानवे फीट के बराबर है ही ग्रीव पिनकी पिनकी वी फोर ही कुड टच बॉटम यानी कि वे बहुत ही उत्साहित थे कि हम कितना जल्दी बॉटम पर पहुंच सके हिज लंग्स हिज लंग्स बस्ट उनके लंग्स बंद हो चुके थे। थेलाइज्ड वे आ, अपने आप को पैरालाइज समझ रहे थे पैरालाइज समझ रहे थे ही वॉज बर्ड इन दाटर वे पूरी तरीके से आ, पानी में डूब गए थे ठीक है जो उनकी सांसें थी उनके हृदय को बहुत ज्यादा आल्हा पहुंचा रही थी है? तो इस तरीके को महसूस किया जब उनको पानी के अंदर ढकेल दिया गया था चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है वाट did द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया द इंस्ट्रक्टर स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाई पीस यानी कि इंस्ट्रक्टर ने जो उनका समझाने वाला था स्विमिंग के बारे में उन्होंने उनको क्या किया स्टेप बाय स्टेप यानी कि कदम से कदम यानी शांति तरीके से बताया He पानी में तैरा करके उनको सिखाया तो वो क्या कर रहे थे वो अपने पैनिक सीस्ट औट एवरी टाइम मानी सभी समय अपने पैनिक को जो उनके अंदर डर था उसको सीस्ट किया द इंस्ट्रक्टर थॉट डगल हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेस यानी कहने की द इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि थॉट डगलस टू पुट हिज फेस अपने फेस को ऊपर करें अंडर वाटर वाटर के ऊपर करें एंड एक्सेल एंड टू रेस ऊपर uh, अपने, अपने करके पानी में पटके और उसे रिलैक्स करें आफ्टर सेवन मंथ्स द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू सिम द लेंथ ऑफ द पूल वे सात महीनों के बाद वे पूल में क्या करने तैरने के लायक हो गए ठीक है तो चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंसिडेंट एमसी तरण घटना का इंसिडेंट विस नियरली डगलस अकॉर्ड वेन ही वॉज टेन और इलेवन ईयर्स ओल्ड यह घटना उनके साथ तब हुई जब वे दस और ग्यारह साल के थे टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ वाटर वे क्या कर रहे थे आ, पानी से डर को समाप्त कर रहे थे ही डिसाइडेड उन्होंने किया टू लर्न स्विमिंग एट द वाईएमसीए पुल उन्होंने निश्चित किया कि हम वाई एम सी ए पुल में स्विमिंग पूल को सीख सके वन मॉर्निंग एक सुबह वेन ही अलोन जब वो अकेले थे एट द पूल के किनारे यानी के किनारे तो वेटिंग द फॉर अदर्स दूसरे को जब दूसरे का इंतजार कर रहे थे तो बिग बुली ऑफ अ अट इन टू द डीप एंड द पूल यानी कि एक शरारती लड़का उनको डीप वाटर यानी गहरे पानी में धकेल दिया थ्रू ही हैड द स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ यानी कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए आ, कई आ, प्लान बनाया फेल्ड लेकिन सारे प्लान क्या हो गए फेल्ड हो गए ही वेंट डाउन टू द बॉटम एंड बीकम पिंकी यानी वहां तुरंत से तुरंत किनारे पर आना चाहते थे ट्राइज द स्ट्रगल्स हार्ड टू कम टू द सरफेस यानी कि उन्होंने क्या किया कि सरफेस बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया बट फेल्ड लेकिन वह फेल हो गए इस टाइम प्रत्येक टाइम वह क्या हो गए फेल हो गए ही वाज़ ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड इन द पूल उन्होंने क्या किया कि जो, जो तालाब था उनको क्या किया अपने आगोश में ले रहा था ही लॉस्ट हिज कॉन्सियनेस अपने वहां सहन शक्ति को खो रहे थे फेल्ट दैट महसूस कर रहे थे कि ही वुड डाई वहां समाप्त हो जाएंगे ही वाज अल्टीमेटली सेव्ड हिस्स मिस एडवेंटेज डेवलप्डन टू वाटर ठीक है तो इस तरीके से वे क्या थे पानी से डर लग उनको डर लगने लगा इस तरीके से ठीक है यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पेर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक